तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक नया बेहतरीन सा गजब सा वीडियो। तो गाइस आज हम एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, गाड़ी लोगों का सपना होती है, किसी के लिए वो सपना होती है, किसी का वो अपना होती है। तो आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आ रही है भाई MG की तरफ से, MG कोमेटा EV। ये भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी है, अफोर्डेबल है, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो भाई, आपके मन के ऊपर है। ये गाड़ी आपकी ये बोल सकते हो बजट के अंदर आ जाती है, लगभग अप्रॉक्स 8 से 9 लाख के आसपास, जो और 4 सीटर है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, पेट्रोल महंगी बहुत हो रही है, इसीलिए पेट्रोल को बचाओ और बिजली से गाड़ी को आराम से चलाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो गाइस MG कॉमेक्ट EV, ये गाड़ी भाई 19 अप्रैल को ही इंडिया में लॉन्च की जा चुकी है। ये गाड़ी भाई गुजरात में इसका काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोडक्शन चालू हो चुका है। इसकी बॉडी भाई आपको मिलती है हैचबैक की, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, कार्बन से मिलके बनी होती है, जो काफ़ी अच्छी है। तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो नॉर्मली इसमें आपको मिलती है एक बैटरा जो आपकी गाड़ी को लॉन्ग लास्टिंग चलाता है। तो भाई इसमें जो है 20 kWh की बैटरी मिलती है, किलोवाट हावर जो भी होता है मुझे नहीं याद, उसकी बैटरी मिलती है, जो कि आपकी गाड़ी को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाती है। और अगर लंबे टाइम तक की बात चल रही है तो भाई ये गाड़ी आपको एक बार चार्ज करने पर चलती है लगभग 250 किलोमीटर, और इसकी चार्जिंग का टाइम होता है लगभग 7 घंटे। मतलब इसको चार्जिंग में लगाओ, खाना पीना खाओ और सो जाओ, सुबह गाड़ी को उठाओ, खूब मौज मारो भाई, घर की खेती है। और भाई ये गाड़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको प्राइस तो मैं लास्ट में बता दूंगा। अगर हम इस गाड़ी की भाई फीचर्स की बात करें तो भाई इसमें आता है IOV, इंटरनेट ऑफ व्हीकल्स, और भाई इसके फ्रंट में लगी होती हैं 10.25 तो डिस्प्ले, जो कि आपकी गाड़ी को पूरी दिखाती है कि मतलब पीछे बैक कैमरा में क्या हो रहा है, फ्रंट कैमरा में क्या हो रहा है और साइड में क्या हो रहा है। ठीक है भाई, इसमें नेविगेशन होता है, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि रेडियो, इंटरनेट एक्सेस। ये गाड़ी आती है भाई 4 सीटर, मतलब खुद को बिठाओ, अपनी फैमिली को बिठाओ और कहीं भी लेके जाओ, 4 बंदे आराम से बिठाओ। ये भाई काफ़ी इसमें मुझे मोटर लगी होती है भाई, वो रियर एक्सल पे आपको 45 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, और ये भाई 110 Nm का टॉर्क देती है। ये भाई अगर इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो आती है भाई 80 से 100 किलोमीटर पर आवर। चलो भाई इसकी और थोड़े फीचर्स की बात करते हैं। इसमें भाई मिलता है आपको पार्किंग ब्रेक्स, हिल स्टार्ट फीचर्स, ड्राइविंग मोड के साथ आती है भाई आपको इसमें एंड्रॉयड का ऑटो मोड मिलता है, एप्पल कार प्ले मिलता है, और भाई हो सकता है आपको इसमें वॉइस कमांड भी मिल जाए। अगर इसकी भाई प्राइस की बात की जाए तो वो भाई आपकी जेब को थोड़ा सा ढीला कर सकती है, क्योंकि ये आती है भाई 7.98 लाख की, जो कि इसकी एक शोरूम प्राइस है। और इसकी मतलब रोड प्राइस की बात की जाए तो वो हो जाती है भाई 8.25 लाख के आसपास। भाई गाड़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, आपके मन के ऊपर है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।